अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वो लग नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ रहने वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल, ये डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज फिर उनको रफली से काट लिया था, ये डाल देंगे। 10 से 12 लहसुन के जड़ें ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का पानी भी ड्राई हो जाए और लहसुन है जो उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 4 टमाटर लेकर उनको मैंने इस तरह से रफली से काट लेंगे, ये डाल देंगे और इनको भी पानी को हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, सिर्फ तो इसके पानी को भी ड्राई किया। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम टमाटर को भी प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले से पकते हुए टोटल 4 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट हमने प्याज और लहसुन को फ्राई किया था और 2 मिनट टमाटर को। अब हम इनको ग्राइंडर से जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, उनका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया और अब मैंने दोबारा से इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसको 2 मिनट तक अब हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो कच्चापन रह गया है मसालों का वो भी ख़त्म हो जाए। तो मसाले को भूनते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो गया। हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून भर कर धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर कर गरम मसाला पाउडर। अब हम सारे मसालों को कर लेंगे मिक्स इस तरीके से और इसको 2 मिनट तक अच्छे से मसालों को पका लेंगे। अपने चम्मच चलाते रहना बीच बीच में ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। यहाँ पर मसाला को भूनते हुए 2 मिनट हो गए और हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला, इसको भी मिक्स करके 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन है जो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन, 1 kg मटन लेकर मैंने उसको बॉईल कर लिया था और इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। बस आपने इसको ऐसे ही पानी में डालकर बॉईल कर लेना और अच्छे से गला लेना है, ये डाल देंगे। मैंने यहाँ पर जो मटन यूज़ किया वो बोनलेस, आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसको मिक्स करके मसालों के साथ अच्छे से आपने भून लेना। तो यहाँ पर मटन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर दूसरे चूल्हे पर कर देंगे और हम इस पर चावल बॉईल कर लेंगे बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन में पानी डाल दिया, पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 2 कड़ी पत्ता डाल देंगे, बादियान के फूल डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, काली मिर्च और जीरा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और पानी को उबाल आने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पानी जो उबलना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 kg चावल, इनको मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रख दिया था, ये डाल देंगे इस तरीके से। चावलों में आप जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे ना, आपके चावल उतने खिले खिले बनेंगे। बॉल को अच्छे से साफ कर लेंगे और एक दफ़ा इसमें चम्मच ला देंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो नीचे ना लगे। फिर जब हम इनको उबाल आने तक पका देंगे। यहाँ पर चावलों में जो बॉयल आ गए हैं, अब आपने इनको एक दफ़ा दोबारा से चम्मच चला देना और इसको एक कनी आने तक आपने बॉयल कर लेना। फूल आपने चावलों को नहीं गिलाना, सिर्फ 90% ही गिलाना। तो हमारे चावलों को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं।
और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इनमें सिर्फ एक कनी रह गई है, 90% तक कुक हो गए हैं। अब मैं इनका पानी निकाल दूंगी, चावलों को पानी में छोड़ दो। यहाँ पर हमारा जो कोरमा हमने हल्की आँच पर रखा हुआ था वो भी तैयार है, हम उसको गरम गरम भी एक देशके में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, अब इसमें डाल देंगे नीचे थोड़ा सा कोरमा। चूल्हा मैंने यहाँ पर लो करके ऑन रखा हुआ है, चूल्हे को आपने बंद नहीं करना ताकि आपका जो बर्तन है वो गर्म ही रहे, ठंडा ना हो। और चावल और कोरमा भी आपका गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके चावल हैं वो सिकुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो हाफ कोरमा वो नीचे डाल दिए, अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावलों की लेयर लगा दी, अब हम इसके ऊपर दोबारा से जो कोरमा उसको फैलाकर डाल देंगे। यहाँ पर कोरमे की लेयर लगा दी, हम इसके ऊपर डाल देंगे पुदीना तरीके से, नींबू डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इस पर चावलों की लेयर लगा देंगे, सारे चावलों की लेयर लगा दी। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून फूड कलर लेकर मैंने उसको मिक्स कर लिया पानी डाल के। इस तरीके से आपने इसकी लेयर लगाते जाना है, एक ही जगह पर नहीं डाल देना आपने। अब हम इसको ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर चावलों को दम दिए, 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन उतार देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी में से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जी कितनी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई हमारी। तो यहाँ पर हमारी मटन बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।